तो कहा था, दाम बांधो जाति तोड़ो। जाति के आधार पर जब भी इस देश का विवेचन, और ये अपने अपने अलग चूल्हे जलाए हुए भोजन बनाने के लिए। सिकंदर ने कहा विजय तो मेरी वैसे ही हो गई, क्योंकि जब ये खुद बटे हुए हैं तो बटे हुए हैं तो हमसे लोकतंत्र में इस अमृत काल में आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, और भारत में रहने वाले कुछ लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैंने जो राम मनोहर लोहिया जी के को कोट किया वह इस आधार पर किया कि वह तंत्र समाजवादी चिंतक थे, और उन्होंने इस बात को कहा था, दाम बांधो जाति तोड़ो। जाति के आधार पर जब भी इस देश का विवेचना हुआ है, तो मैं वह उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर सिकंदर आया था और आने के बाद जलते हुए चूल्हों को देखा था जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, तो उनका ये क्या है, इन्होंने कहा ये विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं और ये अपने अपने अलग चूल्हे जलाए हुए हैं भोजन बनाने के लिए। सिकंदर ने कहा विजय तो मेरी वैसे ही हो गई, क्योंकि जब ये खुद बटे हुए हैं तो हमसे युद्ध क्या करेंगे। तो समाज को बांट करके कभी भी लोकतंत्र को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि पूरी तौर पर समाज को जोड़ करके ही किया जाए। इस नत में इस को कह सकता हूँ कि जो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जाति तोड़ो दाम बांधो, आज आवश्यकता इसी की है, दाम बांधने की, जिसमें महंगाई कम हो रही है, जीडीपी आपकी बढ़ रही है। लोकतंत्र में इस अमृत काल में आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, और भारत में रहने वाले कुछ लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस नाते मैंने उसको कहा, और मुझे लगता है कि भारत को जोड़ना चाहिए। इनकी पुस्तक भी जागृति के द्वारा भारत को जोड़ने का काम किया है। आज इसी की आवश्यकता है, जिसको सभी लोगों को मिलकर के करना चाहिए।